तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमने सीढ़ी निकाल के यहाँ पे रख दी है, और वहाँ पे स्पेस कम पड़ रही थी हमारे घर पे तो सीढ़ी निकाल दी। और अभी तो कभी ऊपर चढ़ने का काम होता है तो ऐसे ही चढ़ना पड़ता है, पूरा रास्ता ब्लॉक है इधर पे। तो यहाँ भी तो आप सब सोच रहे हो कि ये सब लेके मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे घर के ऊपर यहाँ पे पिलर बॉर्डर नहीं है। तो आज से 2 साल पहले यहाँ पे बहुत ही तेज़ बाउंडर आया था, तो उसी के अंदर जो ऊपर वेल चढ़ी थी हमारे, तो वो वेल को लेके जो पूरा सारा पिलर था वो नीचे गिर गया। तो तभी से हमने इसको अभी रिपेयर ही नहीं कराया। तो अभी मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया, मेरी मम्मी ने भी सजेस्ट किया। तो यहाँ देखिए जो खूबसूरत वेल है पीले फूल वाली, वो ऊपर चढ़ रही है। तो एक खिला यहाँ टांगूंगा मैं और एक वो साइड पे, और यहाँ पे बीच में तार लगा दूंगा और वो वेल पूरी इस पर फैल जाएगी। इसको डाल देते हैं। एक कील लगा दी, एक कील लगाते लगाते एक तो नीचे गिर गई। अभी यहाँ पे मेरे पास 3 ही बची है, तो एक यहाँ पे भी लगा देते हैं, इस बार ध्यान से लगाना चाहिए। भाई ये क्या हो रहा है, एक कील और वहाँ पे चली गई, वहाँ से तो मिलने वाली है नहीं। तो अभी एक और बची थी, ये लगा देते हैं, मम्मी की बहुत डांट पड़ने वाली है, नीचे ही बैठे वो। तो भाइयों देखिए कील ठोकने के चक्कर में ये पूरा टूट ही गया और वो नीचे गिर गया है अभी। तो यहाँ से मैंने तार तो लगा दिया दोस्तों, और अब बारी है ये वेल नीचे, देखिए इसको उठा के मैं यहाँ पे धीरे से इसको टर्न कर दूँगा, तो ये अपने आप ही चलती जाएगी और बढ़ती जाएगी। यहाँ पे रोल कर दी। तो चलिए दोस्तों काम पूरा, इसे डालते थे नीचे। दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद मैं हमारे टेरिस पे आया, तो मैंने एक चीज़ देखी जो मैंने बचपन में की हुई थी। यहाँ पे नाम लिखा है मेरा, बचपन के अंदर मैंने ये लिखा था, तो ये अब भी ऐसा ही इधर पे है। बचपन का कुछ देख के बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। तो ये वेल है हमारी, देखिए इसको येल्लो मंडा वेल बोलते हैं। यहाँ से इसको चढ़ाए के ऊपर वहाँ तक फैलेगी, और इसका यहाँ भी एक चेस्ट जैसा, तो ये ऊपर छत पे भी आ जाएगी, धूप मूप पड़ेगी नहीं इधर पे। ये देखिए यहाँ तक भी पहुँची है, और ये यहाँ से ऊपर चढ़ेगी, और ये वाली यहाँ से ऊपर चढ़ेगी, तो पूरा कवर हो जाएगा। तो घर का काम पच चुका है दोस्तों, अभी मैं चलूँगा फार्म की ओर। फार्म पे जाके भी जो थोड़ा बहुत कुछ काम है वो बताऊँगा। एक और नई जो वेल आया हूँ मैं, उसे भी वहाँ पर डालना है। देखिए आप वीडियो में आगे। तो ये दोस्तों देखिए उस्मान हमारा हाथ से ही उतरना सीख चुका है, तो उसे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही उतर जाता है। उस्मान टाटा, नहीं ले जाऊँगा तेरे को, टाटा। हाँ चल ठीक है, आ जा। तो दोस्तों मैं जैसे ही फार्म पे आया तो बहुत ही बैड न्यूज़ मिली कि सुल्तान उड़ चुका है, हमारी खाला ने बोला। सुबह में उन्होंने देखा, मैंने रात को इधर पर इसको बिठाया था, ये देखिए इसके बैठने का लिए स्टैंड भी बनाया है। तो काफ़ी अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो मैं ढूंढता हूँ जाके। तो पेड़ वेड़ पे मैं चेक करता हूँ, इधर भी नहीं मिला यार, कहाँ गया होगा। और ये दोस्तों देखिए कहाँ पे ये भाग के बैठा है। तो दोस्तों खुशी की बात ये है कि अब ये उड़ सकता है, ये पहले उड़ नहीं सकता था, तो ये देखिए वहाँ से उड़ के यहाँ पे आया, तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, मिल गया। तो अब इसे बुलाने की कोशिश करें कि यहाँ पे हमने इसका खाना रखते हैं, तो ये देखिए आता है नहीं आता, चेक करते हैं। सुल्तान आ जाओ, सुल्तान को बुलाया नहीं तो वो नहीं आया, तो लूसी हमारी आ गई। ले लूसी पकड़, अरे जंप जंप लूसी, लूसी जंप 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 जंप। तो दोस्तों अभी मैं काम कर रहा हूँ, जो हमारे घर पे मैंने तुमको जो पहले वेल दिखाई
येलो कलर के फूल वाली, तो वही सेम वेल हम वहाँ पे भी लाए, वहाँ पे देखिए, तो वही सेम वेल को हम यहाँ पे उगाने वाले, यहाँ पे उगा। ये वाली वेल भी काफ़ी ऊंची है, वो काफ़ी बड़ी है, तो इसको भी यहाँ पे लगाए गए। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक और टेंट बना दूँ, और ये वेल जो है वहाँ से ऊपर जाके वो टेंट के ऊपर जाएगी और पूरा फैल जाएगी, तो काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इसके बारे में आगे वीडियो भी दिखाने वाला हूँ, तो दोस्तों देखिए, तब तक मैं ये काम पूरा कर देता हूँ। तो इसको निकाल के वहाँ पे मैं डालने वाला हूँ, तो ये निकल नहीं रही, इसको पूरा खोदना पड़ेगा। तो इसको ये डोल को ही डायरेक्ट तोड़ के अंदर डाल देंगे। देखिए वैसे ही भी ये डोल ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों टेबल ले लिया है मैंने अभी, तो ऊपर बांधने पड़ेंगे, तो इसे ऊपर चढ़ के बांधने वाला हूँ मैं अभी। तो यहाँ देखिए, इसे भी ये तार को यहाँ बांध दिया, और इसे सामने वो घर आगे पेड़ है अपना झूला, वहाँ ले जाएंगे और ये वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों हमारा शाहरुख देखिए, इसका यहाँ भी लगाए, शाहरुख एक और जगह दिखा कहाँ लगाए, अरे दिखा दे दिखा दे, अरे दिखा दे दिखा दे, अरे दिखा दे, और एक यहाँ पे लगाए, हाथ पे लगाए, और यहाँ पे भी लगाए, तब भी ये वॉलीबॉल खेलना। देखिए कितना वॉलीबॉल के लेके कितना पैशन लेके हमारा भाई, देखिए बार बार लगने के बाद भी ये वॉलीबॉल को नहीं छोड़ सकता। देखिए एक और ऐसा खिलाड़ी आ चुका है जिसके पैर में लगा है, तब भी वॉलीबॉल खेलने के लिए देखिए कितना कितना पैशनेट है लकी फार्म के प्लेयर्स। तो दोस्तों देखिए आज काफ़ी लेट हो चुका है और काफ़ी अंधेरा भी हो गया है, हमारा सुल्तान भी बाहर है, इसको मैं अंदर घर दे रहा हूँ। सुबह में तो भाई बहुत ज़बरदस्त हुआ, मुझे लगा था कि सुल्तान आज चला गया, ये ठीक से अभी उड़ भी नहीं पा रहा है और कहीं जाके बैठ जाएगा और कोई कुत्ता वुत्ता इसको पकड़ ले तो भाई। चल सुल्तान आ जा। तो ये सुल्तान को हमने ले लिया है और काफ़ी ये अभी उड़ भी नहीं पा रहा है दोस्तों, उसको उड़ने में बहुत तकलीफ़ हो रही है अभी, ये थोड़ा सा बीमार है। अच्छा हुआ कि ये ज़्यादा उड़ के दूर नहीं गया, तो आज इसे अंदर ही हम बंद कर देंगे हमारी मुर्गियों के साथ। दोस्तों देखिए ये सारा पानी वेस्ट किया है, मुझे पता है ये सारा पानी इन बत्तखों ने ही वेस्ट किया है, ये काफ़ी पानी वेस्ट करती है और जगह जगह पे पानी ढोलती है, इनको पानी बहुत पसंद है, इसीलिए ये अंदर भी अपना ही पानी ढोल के अपना तालाब बना लेती है कोई भी जगह पे, तो इनका अलग रखने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो अभी इसे लॉक कर देता हूँ, वरना सुबह आऊँगा और पता चलेगा कि मेरा एक भी बर्ड अंदर नहीं है तो भाई नुकसान। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।